तो इस पर इस संभावना पर भी विचार करना। विजय जी, संजय राउत का कल बयान हमने सुना था कि 10 बजे बताएंगे कि महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री कौन होगा, और एक घंटे बाकी है। किस तरीके से देख पा रहे हैं उनके इस बड़े बयान को? नहीं देखिए, ये लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का वोट मिला था महाविकास आघाड़ी को, तो उससे विधानसभा सीटों में वो काफी बढ़त पे थे और सरकार उनकी क्लियर मेजोरिटी से बनती हुई नजर आ रही थी लोकसभा के रिजल्ट के हिसाब से। लेकिन अगर 2019 के विधानसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा चुनाव में देखें तो विजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, यूपी के सीसामऊ से एक बड़ी खबर। सीसामऊ से भी सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। नावेद साहब, आपके पास आऊंगा। सीसामऊ से भी सपा प्रत्याशी जो है वो आगे चल रहे। सीसामऊ हमने आंकड़े दिखाए थे, मुस्लिम वोटर जो है वो एक्स फैक्टर है। इरफान सोलंकी का भी हमने जिक्र किया था, ये एक बड़ी खबर। सीसामऊ में पहले राउंड में 4684 वोट मिले हैं। ये पहले दौर का जो रुझान है, जो आंकड़े हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ गए कि 4686, और पहले दौर में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको 2333 वोट मिले, लगभग 2 से 2.25 हजार के आसपास का एक बड़ा मार्जिन रुझानों में ही नजर आ रहा है। नावेद साहब, जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी की जो अपने जनाधार जहां जहां है उसमें ये सीट आती है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी का अपना वर्चस्व है, खासतौर से मुस्लिम समाज की बड़ी आबादी होने के साथ में कुछ पिछड़ी जातियों के और यादव समाज के लोगों का एक अच्छा गणित कुछ सीटों पर है, जिसमें समाजवादी पार्टी अपनी सीटों को बचाने में कामयाब होगी। और मुझे लगता है कि इस तरह की करीब 3 सीटें ऐसी मजबूत हैं जहां सपा आराम से अपनी सीटें बचा सकती है। उसी एक उसमें आता है सीट में, ये सीट भी आती है। जहां तक ध्रुवीकरण का सवाल है, ध्रुवीकरण भी जहां भी होगा उसके बाद भी सपा कुछ नंबर्स ऐसे गेन कर लेगी जहां पर चंद सीटें वो बचा सकती है। और उसमें उपचुनाव में भी कई ऐसी सीटें हैं जहां सपा को कम से कम अपनी सीटें बचाने की राहत मिली। में से कौन कौन सी सीटें देखती जो समाजवादी पार्टी के एज में है? देखिए, मैं तो ये मान के चलता हूं कि समाजवादी पार्टी अपनी सारी सीटों को बचाने का संघर्ष कर रही है, क्योंकि अगर ये अपनी सीटें बचा ले जाती है तो पीडीए की